तो वैसे जुड़े हम बात कर रहे थे कल का झारखंड T20 मैच के बारे में, जो भी खेला जाएगा रैनो से जैम के बीच में खेला जाएगा। तो अगर चलो टीम देखने पहले एक बार प्लेयर स्टैटिक्स से प्लेयर का स्टैटिक्स क्या है। तो अगर ये देख लो मैच का इन्फॉर्मेशन थोड़ा, कल ये मैच खेला जाएगा रांची में। तो रांची के प्लेयर के पहले थोड़ा देख लेते हैं। पहले एक कुमार विकेट कीपर में आएंगे, 30 रन बनाए, ये ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस है उनका। और ये अभिषेक यादव लास्ट 2-3 मैचेस 4-5 विकेट लेकर आ रहे हैं, प्लेयर बहुत बड़े हैं इसलिए विकेट लेकर बोल रहे हैं, इसलिए मैं आज इनको पिक कर रहा हूँ। आयुष कुमार उनका रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। और HS ये कौन है, हिमुश पिछले मैच में बॉलिंग की थी, विकेट नहीं लिए थे, सिर्फ 2 रन बनाए थे। और यू कुमार उत्तर कुमार पिछले मैच में 22 रन बना आके आ रहे। और डी राज उनका रिकॉर्ड नहीं है। और एच राणा ये भी बहुत बड़े ऑलराउंडर है, पिछले मैच 10 रन 0 विकेट, उससे पहले 2 रन 2 विकेट। और बॉलिंग सेशन में एस यादव 33 रन, उससे पहले विकेट लिए थे, पिछले मैच विकेट नहीं लेते। एस मोचन पिछले मैच विकेट लिए नहीं लेते, उससे पहले विकेट लिए थे। और यही जमशेदपुर के रिकॉर्ड देखते हैं, एस चक्रवर्ती 2 विकेट पिछले मैच से, उससे पहले विकेट नहीं लेते 2 मैच में। और ए गिरी पिछले मैच 6 रन, उससे पहले डक पर आउट हुए थे। और के सूरज ये भी 8 रन बनाए थे, उससे पहले 16 रन, उससे पहले 36 रन, ये भी प्लेयर बहुत बड़े हैं। के सुवर्ण 6 रन बनाए थे पिछले मैच में। और एम पाल का रिकॉर्ड देखते हैं, एम पाल ने पिछले मैच में 53 रन की पारी खेल कराए, प्लस 1 विकेट भी चटकाए थे। और आर सिंह इनका भी रिकॉर्ड देखते थे, राजदीप सिंह पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 0 विकेट। और के कुमार बॉलिंग सेशन में 2 विकेट पिछले मैच से, उससे पहले 2 मैच में 0-0 विकेट। और लास्ट में वी कुमार पिछले मैच में विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले 1 विकेट। तो गाइस ये था कुछ प्लेयर स्टैट्स। चलो गाइस एक बार टीम देख लेते हैं टीम क्या रहेगी। तो गाइस एक स्मॉल टीम रहेगी, इस टीम में 3 बैट्समैन लिया हूँ, अर्णव सिन्हा अभिषेक यादव और कुमार सूरज को लिया हूँ। अर्णव सिन्हा पिछले मैच में बहुत बड़े पारी खेल करा रहे हैं, उससे 47 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 2 मैच फ्लॉप हुए थे, पर एक मैच 77 रन पारी खेल रहे। प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ, आप उनकी जगह किसी और के साथ रखते थे। अभिषेक यादव पिछले मैच में नहीं खेला था, कोई रीज़न नहीं था, उसलिए पिछले मैच में खेला नहीं था, पर इससे मैच में खेल सकते हैं क्योंकि इनको मैं पिक किया हूँ। पिछले मैच से 2 विकेट लेकर आ रहे, उससे पहले 1 विकेट, 11 डॉट बॉल किया था। ओवरऑल प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ, एक मैच से 3 विकेट लिया था इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और लास्ट में कुमार सूरज, ये बहुत बड़ा बैट्समैन है। कुमार सूरज का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच सिर्फ कैच पर पॉइंट्स दिए थे, एक मैच में उन्होंने 36 रन की पारी भी खेल करा रहे। तो ग्रैंड लीग में एक बहुत बड़े पिक हो सकते हैं, वाइस कैप्टन है कैप्टन के लिए। तो गाइस भाई विकेट बुक सेक्शन में रोबिन मिंज को ले आऊँ। रोबिन का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच में बहुत बड़े पारी खेल कर रहे, 56 रन की पारी खेल कर आ रहे, और उससे पहले भी अच्छा पारी खेला था, 32 प्लस 1 कैच 1 स्टंप आउट भी किया था। ओवरऑल प्लेयर गुड है इसलिए मैं इनके पिक किया हूँ, एक मैच 74 रन की पारी खेला है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। वही ऑल राउंडर में हर्ष राणा, मोहम्मद कोहिन, सौरभ। हर्ष राणा देख लो पिछले मैच सिर्फ फ्लॉप रहे थे, सिर्फ 1 विकेट लिए थे, पर उससे पहले थोड़ा कैच के पॉइंट आए थे, पर एक मैच उन्होंने अच्छे विकेट लिए थे, 2 विकेट 2 रन बना के। तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और वही मोहम्मद कुरैशी इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, कुरैशी ने पिछले मैच बैटिंग से बहुत बड़े पॉइंट दिए थे, 16 रन 12 डॉट बॉल किए थे, उससे पहले फ्लॉप रहे थे, उससे पहले 76 रन 7 डॉट बॉल किए थे। प्लेयर बहुत बड़ा है इसलिए उनके साथ जा रहा, आप उनकी जगह किसी और के साथ जा सकते हो। और सुप्रीत चक्रवर्ती इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, ये भी ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस है, पिछले मैच देख सकते हो 14 रन 2 विकेट लेकर आ रहे हैं, उससे पहले फ्लॉप थे 3 मैच में, और उससे पहले मैच 39 1 विकेट लिया था इसलिए मैं इनको पिक किया हूँ। और लास्ट में मयंक पाल भी रिकॉर्ड गुड है, पिछले मैच देख सकते हो 53 रन की पारी खेल कर आए, प्लस 1 विकेट 14 डॉट बॉल किया था, और उससे पहले 5 रन 1 विकेट। प्लेयर बहुत बड़े हैं इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ, आप उनकी जगह किसी और के साथ जा सकते हो। ये भाई ग्रैंड लीग में उनको कैप्टन बना सकते हो। और बॉलिंग में सचिन यादव, अजय सोनू और आर्यन उड़ालिया। सचिन यादव पिछले मैच में खेला नहीं था, एक उनका रिकॉर्ड लिख लो 33 रन बनाए थे एक मैच में, एक मैच 4 रन और एक मैच में विकेट के 3 विकेट लेकर आ रहे हैं। प्लेयर बहुत बड़े हैं इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और वही अजय सोनू टी, ये भी प्लेयर बहुत बड़े हैं, इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 10-20 रन बनाए थे, उससे पहले विकेट से 1 विकेट 11 रन बनाए थे, एक मैच 2 विकेट,
और गुड टेक विकेट टेकर बॉलर है इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूँ। और ये लास्ट में आर्यन हुडा के साथ जा रहा हूँ। हुडा का देख लो पिछले मैच बहुत बड़े रन मार के आए, 49 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं और पिछले उससे पहले मैच 53। ये हर मैच में बैटिंग करके रन बनाए, उनको बॉलिंग सिस्टम में डाल दिया है, पता नहीं क्यों ऐसे करे, पर प्लेयर गुड है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। वही कैप्टन वाइस कैप्टन बात कर रहे थे गाइस, तो कैप्टन मेरा हर्ष राणा रहेगा, वाइस कैप्टन आर्यन हुडा रहेगा। तो गाइस ये मेरी स्मॉल लीग टीम रहेगी गाइस। सो थैंक यू गाइस।